मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कसरावत में सद्भावना कावड़ यात्रा समिति द्वारा लगभग 12 वर्षों से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसी तारतम्य में श्रावण मास के चलते आज शालिवाहन मंदिर से सद्भावना कावड़ यात्रा लगभग 300 कावड़ियों के साथ प्रारंभ हुई। यात्रा का नगर कसरावत में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया, जहां विजय स्तंभ चौक पर मुस्लिम समाज द्वारा कावड़ यात्रियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया एवं कुरान की फोटो फ्रेम भेंट की गई। जहां एक ओर देश में सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है, ऐसे में कसरावत नगर का यह दृश्य निश्चित ही दिल को सुकून पहुँचाता है। नगर कसरावत की गंगा जमुनी तहजीब देश को एक संदेश देती है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। सांप्रदायिकता का माहौल है, हर जगह हिंदू मुस्लिम चल रहा है और यहाँ पर हम एक अनूठी मिसाल देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कसरावत में? ये हमारा नगर कसरावत अपने आप में वर्षों से एक अनूठी मिसाल देता है। ये 12वां वर्ष है इनके आज कावड़ यात्रा का, पप्पू सोनी रंजीत जी के जो कावड़ यात्रा निकालते हैं। और नगर कसरावत में मुस्लिम समुदाय के द्वारा लगातार 12 वर्षों से इनका इस्तकबाल किया जाता है और यहाँ पे कोई सा भी कार्यक्रम हो, चाहे शिव डोला हो, दशहरे का त्यौहार हो, कोई भी कावड़ यात्रा हो, आरएसएस का पथ संचालन हो, मुस्लिम समुदाय सभी का स्वागत इस्तकबाल करता है। और हमारा नगर कसरावत इसीलिए ये सांप्रदायिक माहौल से बहुत दूर है और हमारे नगर कसरावत में हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं। ये हमारा नगर कसरावत एक पुण्यता की अपने आप में एक मिसाल है। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम देश को संदेश देना चाहेंगे कि हमारे कसरावत नगर से बहुत छोटा सा नगर है, खरगोन जिले का छोटा सा गाँव, इससे सीख ले। ये जो आए दिन माओ ब्लीचिंग सांप्रदायिक बातें होती, इसको बंद करके हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। जय हिंद, जय भारत। खरगोन कावड़ यात्रा 12वां वर्ष है और ये हम पिछले 12 साल से हमारे सारे मुस्लिम मंडली जो है ये कावड़ यात्रा को सुचारू रूप से चला रहे हैं। इस बार कितने से लोग हैं? इस बार कावड़िए 300 के लगभग हैं। नगर में काफी भव्य स्वागत हुआ, मुस्लिम समुदाय द्वारा भी स्वागत किया, गांव में कैसा माहौल लगा आपको? क्या हमारे कसरावत का, हमारे एरिया का कसरावत मिसाल दिया जाता है, कसरावत को मिसाल दिया जाता है कि सद्भावना इतनी है हमारे यहाँ नगर में और बिल्कुल समभाव से रहते हैं हिंदू मुस्लिम सभी भाई। और जितनी भी देश में अगर जितनी परिस्थितियां आई है उसके बावजूद भी हमारे कसरावत का अमन और चैन कभी भी खराब नहीं हुआ, क्योंकि दोनों वर्ग बड़े आपसी सामंजस्य बना के चलते हैं और आपसी प्यार मोहब्बत लेके चलते हैं। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा आपकी कावड़ यात्रा से, तो देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? समभाव, वसुंधैव कुटुंबम। आपकी कावड़ यात्रा का नाम भी सद्भावना कावड़ यात्रा है, इसके पीछे कोई उद्देश्य? आज से 12 साल पहले जब हमारे मित्र मंडली और हमारे महादर्शक हमारे सारे मित्रों जब बैठे थे हम, तो हमारा यही नाम फाइनल हुआ कि यार भैया अपन जिस हिसाब से काम कर रहे हैं सद्भावना से, उसी हिसाब से अपने कावड़ यात्रा का नाम भी होना चाहिए सद्भावना कावड़ यात्रा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रदेश